इस क्वेश्चन में हमें sec थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वन से मल्टीप्लाई होकर sec थीटा माइनस sec थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगी, और इधर वाली वैल्यू को आप एज इट इज लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये sec थीटा माइनस इस sec का रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो sec का cos में होती है इंटू साइन थीटा, फिर इधर वाली वैल्यू को फिर से एज इट इज। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये sec थीटा माइनस ये साइन बाय कॉस हम जानते हैं कि ये टेन थीटा हो जाती है। उसके बाद इधर की वैल्यू जो है sec थीटा प्लस टेन थीटा वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में आ चुकी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, तो फाइनली वन इसका